हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम वाइट स्पंज रसगुल्ला बनाएंगे। क्योंकि ये छेने से बनता है तो इसके खाने के काफ़ी सारे फायदे भी हैं। ये पीलिया में भी फ़ायदा करता है, आँखों के लिए भी लाभकारी है, मसल्स बनाने में भी हेल्पफुल है, कैल्शियम की पूर्ति करता है, डाइजेशन को भी अच्छा बनाता है और हेल्दी हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो काफ़ी सारी ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जिनको खाने से नुकसान होता है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी भी हैं जिसको खाने से फ़ायदा है। तो इन्हीं में से एक है स्पंज वाइट रसगुल्ला। तो आज ये दूध फट गया था मैंने, तो सोचा कि क्यों ना आज रसगुल्ले ही बना लिए जाए। तो ये दूध मेरा पूरी तरह से फटा नहीं है, तो अब ये किसी और का यूज़ का भी नहीं है, तो इसको क्यों ना पूरी तरह से फाड़ लिया जाए। तो ये मैंने टाटरी का यूज़ किया है, सिर्फ दो चुटकी टाटरी ही डालूँगी मैं इसमें और मेरा ये दूध पूरी तरह से फट जाएगा। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप नींबू का सत्त या विनेगर, तीनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो ये अभी दूध पूरी तरह से फटा नहीं है, लेकिन मैं टाटरी मैंने पहले ही डाल दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप उबालने के बाद भी डालते हैं तो। लेकिन यही है कि आप अगर उबालने के बाद डालेंगे तो हमारा छेना सॉफ्ट बनेगा, तो इसीलिए वैसे मैंने पहले डाल दिया तो भी मेरा छेना बिल्कुल सॉफ्ट ही बनेगा। और ये मैंने मसलिन या कॉटन का कपड़ा, जो आपके पास अवेलेबल है जो कपड़ा वो ले लीजिए, साफ़ सुथरा बिल्कुल। तो मैंने ये मसलिन का कपड़ा लिया है और उसके ऊपर मैंने अपना छेना छान लिया है, और नीचे जो पानी है निकलता है उसको आप फेंके नहीं, आप चाहे तो आटा लगाने में यूज़ कर लें, चाहे आप सब्ज़ी बनाने में यूज़ कर लें, क्योंकि इस पानी में काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं। और इस छेने को हम अच्छे से धो लेंगे नॉर्मल पानी से, 2 या 3 गिलास पानी से धो लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल खट्टापन ना रहे, क्योंकि हमें अपनी स्पंज रसगुल्ले में बिल्कुल भी खट्टापन नहीं चाहिए। तो ये मैंने अच्छे से धो लिया है, फिर इसको अच्छे से टाइटली निचोड़ के इस पर वेट रख लूँगी मैं, चाहे तो चकला रख लीजिए आप, चाहे सिलबट्टा रख लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने चकला रख लिया है और ये मेरा छेना रेडी हो गया है। अब ये छेना मेरा काफ़ी इस पर बिखरा हुआ बना है, तो अब मैं इसको किसी चौड़ी परात में ले लूँगी और इसको अच्छे से हथेलियों से अब हम मस लेंगे। और इसमें चाहे तो आप मैदा, अरारोट या कॉर्नफ्लोर, तीनों में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको अच्छे से हथेलियों से मस लेंगे। इसमें आपकी एनर्जी और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने इसमें सिर्फ मैदा मिलाया है, 2 या 3 ही टेबल स्पून इसमें सिर्फ मैदा मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं मिक्स करूंगी। और फिर मैंने मैदा डालने के बाद फिर इसको अच्छे से हथेलियों से खूब रगड़ना है, कम से कम 12 से 15 मिनट तक हम इसको इसी तरह से रगड़ेंगे हथेलियों की सहायता से। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह से ही इसको अच्छे से थोड़ा एनर्जी लगाना है, आलस नहीं करना है बिल्कुल भी, और थोड़ी एनर्जी हमें लगानी है इसमें। तो ये पूरी तरह से इस तरह से हमें डो बनाना है बिल्कुल सॉफ्टली, और ताकि किसी प्रकार की उस पर दरार न रहे। यह आटा जितना अच्छा लगा हुआ होगा हमारे रसगुल्ले उतने ही स्पंजी सॉफ्ट बनेंगे। और मैंने अब ये डो हमारा रेडी हो चुका है और उसकी हमने छोटी छोटी लोई बना ली है। लोई बनाने के बाद अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू इस तरह से बनाना है कि किसी प्रकार की दरार न रहे, ताकि हम चाशनी में डालें तो वो फूटे नहीं, अलग ना हो। तो इसीलिए इस तरह से आप लड्डू बनाते टाइम बहुत सावधानी बरतें कि वो किसी प्रकार की उनमें दरार ना हो। ये देखिए बिल्कुल पूरा चिकना है, स्मूथ है, किसी भी प्रकार की किसी में दरार नहीं है। तो ये मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, अब हम चाशनी की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है और 500 ग्राम चीनी ली है। 500 ग्राम चीनी जब उबाल आ जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने चीनी डाल चुकी हूँ और इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें अपने जो रसगुल्लों के लड्डू बनाए थे वो हम इसमें डालेंगे, एक एक करके डालना है, सब एक साथ नहीं डालना है, एक एक दो दो करके डालना है, नहीं तो इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा पानी का। तो ये देखिए सारे रसगुल्ले डालने के बाद फ्लेम को हम तेज पे ही रखेंगे और इनको उबालेंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट पकाने के बाद हम इनको ढक देंगे, और पूरी तरह से नहीं ढकना है, हल्का आधा रखेंगे। फिर से हम पकाएंगे इसको 15 से 20 मिनट के लिए, तो कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये हमारे रसगुल्ले रेडी हो चुके हैं, अब ये खाने के लिए रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो ये चैनल मेरा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।